सद्दसार कश्मीर। कश्मीर का नाम आते ही आपने वो मशहूर गाना सुना होगा, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं यहाँ कश्मीर बोल रहा हूँ, कश्मीर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर और कश्मीर में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो वहाँ पर एक झील है जिसको डल झील बोलते हैं, डल झील पे एक सर्कल बना हुआ है, राउंड शेप है, उस राउंड शेप के बीच में अगर आप ऊपर जाएंगे तो एक कुंडल बन है। कुंडल बन का मतलब है जिसमें कुंडली मारी हुई सड़क है, यानी कि सड़क जाने के लिए जो बन है वो कुंडली मारी हुई गोल गोल चक्कर में जाके ऊपर जाते हैं। और वहाँ ऊपर खुला स्थान है थोड़ा सा, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हुई है, एक कह सकते हैं कि एक भवन बना हुआ है, या एक जो ईंट पत्थरों का जो एक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर पे अभी तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो कैमरा लेके जाने को मना करते हैं, मगर जब मैं पहली बार गया था तो वहाँ कैमरा अलाउ था। वहाँ की जो सीढ़ियाँ, जो वहाँ की कलाकृति बनी हुई है, जो वहाँ का आर्किटेक्चर है, उसमें कमल के फूलों का जो पद्धति होती है बुद्ध साहित्य की या बौद्ध की, वो वहाँ मिलती है। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर जो संगति हुई थी, जिसको चौथी संगति बोलते हैं, संगति का मतलब है कि सारे भिक्कु मिलके और भिक्कुणी मिलके एक राजा, जो कुषाण राजा कनिष्क थे, कुषाण के राजा कनिष्क थे, उन्होंने वहाँ पर लगभग ईसा के मरने के 120 से लेके 144 साल के बीच में वहाँ पर संगति कराई थी, और सारे बौद्ध भिक्कु वहाँ आए थे। जो गंधार का एरिया है, जिसको गंधब्ब बोलते हैं, उसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, जो आज की डेट में जिसको कंधार बोलते हैं। और जो गंधारी जितनी भी आर्किटेक्चर है, वो आपने बहुत सारी स्टैचू देखी होंगी जो पाकिस्तान में मिलती हैं, अगर आप नेट खोलेंगे तो गंधारी स्टैचुओं से भरा पड़ा है पाकिस्तान का पूरा पूरा एरिया, और ईरान तक होती थी। तो कश्मीर को कश्मीर नहीं बोलते थे पहले, क्योंकि शह तो पाली में है ही नहीं। तो कस का मतलब क्या है यहाँ? कस का मतलब है कसना, जैसे आज आप कहते हैं कि कद्दू कस दो, या कद्दू कस देना हमें, या इसको अच्छी तरह से कस दो, किसी को बांधना होता है तो कहते हैं इसको अच्छी तरह से कस दो, या इसको कसो, या तुमने ये कसा या नहीं कसा। इस कस के अगर हम खेत को कसते हैं, यानी कि जो खेत है हमारा, जमीन है, तो उसको कसना बोलते हैं, तो उसको आज की डेट में जोतना भी बोलते हैं, यानी जमीन को अगर कसेंगे तो उसको प्लो या जोतना बोलते हैं, वो भी कसना यही है। और एक होता है मन को कसना, शरीर को मन को कस के इसको शुद्ध करना, इसको इससे गंदगी निकालना, इससे मैल निकालना, और इससे अच्छी उपज लेना। भगवान बुद्ध के, भंगी बुद्ध के, तथागत बुद्ध के, सुगत के जितने भी धम्म के सूत्र हैं, उनमें मन और मस्तिष्क, यानी मन और शरीर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, मस्तिष्क तो प्रोसेसर को बोलते हैं, मन जो होता है वो सॉफ्टवेयर है, और जो शरीर है वो हार्डवेयर है। तो मन को और रूप को, रूप का मतलब हार्डवेयर, इनको कसना होता है, शुद्ध करना होता है, इनसे गंदगी निकालनी होती है। इसको वहाँ कस से लिया गया है, क्योंकि कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा वातावरण और बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आते थे। अगर आप नेट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी कश्मीर के एरिया में, जो लेह लद्दाख के अंदर एक मोनेस्ट्री है, उसके अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ पर ईसा मसीह भी आए हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को कसा है और अपने मन को शुद्ध किया है, जो वहाँ की एक मोनेस्ट्री होते हैं जिसको, वो बड़ी फेमस है। मैं फिर कभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ जो कसना मतलब है वो मन को कसना है, और कसेन जो बोलते हैं, यानी मन के द्वारा कसा हुआ, कसिन या कषण बोलते हैं, इसका मतलब है चित्त को और मन को कंट्रोल में करने के, यानी कसने के साधन। और कसीरेन का मतलब होता है कि
कठिनाई के द्वारा, यानी जितनी भी कठिनाई है उसके द्वारा इसको कसना। तो यहाँ कस के दो मतलब आते हैं, खेत को कसना यानी खेत को जोतना, और मन को कसना यानी मन को जोतना, दोनों का रिजल्ट अच्छा आता है। और मीर जो शब्द है, मीर शब्द अरब से आया हुआ शब्द है, क्योंकि मीर माने होता है मुख्य, नेता, नायक, किसी वर्ग का मुखिया, इसको मीर बोलते हैं, ये पाली का शब्द नहीं है। और वहाँ जो आचार्य होते हैं, जो इस्लाम के आचार्य होते हैं, उनको भी मीर बोला जाता है, क्योंकि वहाँ से जो बोधि की और बुद्ध की जो एजुकेशन थी वो ईरान तक गई थी, और फिर वहाँ जो इस्लाम आया, इस्लाम वापस यहाँ तक आया, तो वो तब तक यहाँ से बोधि की और बुद्ध की एजुकेशन जा चुकी थी, लोग भूल चुके थे, तो उनके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी कि वो अपने मन को कैसे शुद्ध करें, तो उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। तो कस और मीर दोनों शब्द बड़े कमाल के हैं, एक पाली का है और एक अरबी का शब्द है। और कश्मीर के जो पीछे के एरिया हैं वहाँ तक जो इस्लाम था वो नहीं पहुँचा, इसलिए जब आप पीछे की तरफ लेह में जाएंगे तो लेह में सारे के सारे आज भी वही बोधि परंपरा के लोग हैं, क्योंकि वहाँ मौसम ज़्यादा हार्ड रहता था, वहाँ इस्लाम नहीं पहुँच पाया, वहाँ और भी लोग नहीं पहुँच पाए, इसलिए वो शुद्ध रूप में अपने बोधि रूप में वहाँ बना हुआ है। तो कश्मीर का ये बहुत सुंदर सा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। और जब कभी आप कश्मीर जाएं तो वहाँ जो कुंडल बन के अंदर जो ऊपर की तरफ एक बिहार बना हुआ है, उस बिहार को जरूर देखें। उस बिहार में आज भी कमल की खुदाई हो रही है, जो पत्थरों पे कमल की खुदाई है उससे साफ पता चलता है, हालांकि उसको तोड़ फोड़ दिया है, ख़त्म दिया है। एक अगर विचार आता है उसके ऊपर, जब दूसरा विचार आता है तो पहले विचार को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि पत्थर या मंजिलें या दीवारें या इमारतें तोड़ के विचार को तोड़ा जा सकता है, जबकि सारे विचार शुद्ध मन को होने के हैं। अगर आप एक शुद्ध लोग हैं, अगर आप कोई विचार आपका शुद्ध है, कोई टेक्निक आपकी शुद्ध है, तो आप कभी भी किसी का कोई टेंपल ना तोड़ेंगे ना बनाएंगे। ये सब प्राकृतिक अपने आप चलता है। धन्यवाद।